नमस्कार बागवान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है बिछ चुकी है। लगातार एक दो दिनों से बारिश हो रही थी और अचानक से रात को जो है बर्फ़बारी हुई है। तकरीबन 1.5-2 इंच बर्फ़ जो है गिर चुकी है और मौसम आज भी बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। ये देखिए, मौसम आज भी बहुत खतरनाक बना हुआ है। लेकिन ये जो बर्फ़बारी हुई है, ये पेड़ के लिए जो है, सेब के, खासकर सेब के बागवानों के लिए जो है खुशियों भरी सौगात लेकर आई हुई है ये बर्फ़बारी। बागवान भाइयों, बर्फ़बारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी सारे जो रोग हैं वो पेड़ों में वो जो है समाप्त हो जाते हैं, और कुछ छोटे मोटे जो फंगस है, कीट पतंग जो है वो भी इससे मर जाते हैं। और बागवान भाइयों, इससे एक और फ़ायदा है, इससे जो है जो पानी की कमी है खेतों में, खासकर बगीचे के लिए जो पानी जरूरी है पौधों के लिए, वो जो है इससे पूरी हो जाती है। और बागवान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए जो नई प्लांटेशन की हुई है उसमें जो है बर्फ़ से जो है पूरा ढका हुआ है ये, और इससे जो है ये काफ़ी अच्छे जो है पौधे जो है इस बार लगेंगे और अच्छे से जो है ग्रो करेंगे। बागवान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सारे जो प्लांट है वो जो है पेड़ बर्फ़ से जो है ढके हुए हैं, और बहुत अच्छा मौसम जो है बना हुआ है। ये MX-11 के कुछ प्लांट जो अभी हाल ही में प्लांटेशन इनकी की है, और इनके लिए जो है ये जो बर्फ़ है ये जो है काफ़ी लाभदायक होगी, ऐसी उम्मीद है। बागवान भाइयों, ये जो ऐसा मौसम है, ठंड में जो है बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। ऐसी बर्फ़बारी होती रहे, इसलिए हमें अपने जो है पेड़ पौधों को, जंगलों को जो है काटने से बचाना होगा, और अपने जो पर्यावरण को है उसको बचा कर रखना होगा, ताकि जो है समय मौसम के अनुकूल जो है ठंड और बारिश जो है, हमें बारिश जो है मिलती रहे। बरसात के मौसम में बारिश हो और ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी हो। बागवान भाइयों, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, इसलिए इस टाइम वीडियो बनाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब जो है हल्की हल्की जो है बर्फ़बारी फिर से शुरू होने लग गई है, जिसके कारण जो है हाथ भी ठंड रहे हैं। बागवान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना, और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और अगर जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन उस टाइम चाहिए कि भी वीडियो डाल दी है, एक और जानकारी आ गई है, तो उसके लिए जो है आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य बर्फ़बारी का जो है अब जो है। धन्यवाद दोस्तों।